गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रस्पेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन पेपर में हम लोग बहुत सारे विषय वस्तु का अध्ययन कर चुके हैं, उसी के कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ बीएड प्रोग्राम। जैसा आप जानते हैं, बीएड दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम को कहते हैं। इसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड की जिम्मेवारी एनसीटीई को दी गई। एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, इसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को बनाया और उसी के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के आधार पे पूरे भारतवर्ष में इसकी पढ़ाई होती है, यानी कि कमोबेश उसी को फॉलो करना होता है। तो इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सभी प्रस्पेक्टिव टीचर्स जो अभी एमएड के बाद जब टीचर एजुकेशन प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको भी बीएड के ही नॉर्म्स को फॉलो करना है, इसलिए इस नॉर्म्स की जानकारी होने की आवश्यक आपको है। तो बीएड के प्रोग्राम दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन में सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें तो देखा जाए तो ड्यूरेशन एंड वर्किंग डेज की अगर बात करें तो ये बीएड जो है ये 2 वर्षीय कार्यक्रम है, 2 वर्षीय प्रोग्राम जिसमें आपको एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम 3 इयर्स में आपको इस कोर्स को समाप्त कर लेनी है। यानी कि इस 2 वर्षीय कार्यक्रम में अगर चर्चा की जाए तो वर्किंग डेज आपका लगभग 200 वर्किंग डेज इसमें होना चाहिए। 200 वर्किंग डेज में एग्जामिनेशन और आपका एडमिशन प्रोसीड्योर छोड़कर 200 वर्किंग डेज होनी चाहिए। इस 200 वर्किंग डेज में अगर एक वीक की चर्चा की जाए तो लगभग 36 घंटे की पढ़ाई होनी सुनिश्चित करनी होगी। अब ये 36 घंटे की पढ़ाई सोमवार से शुक्रवार के बीच में भी कर सकते हैं, सोम से शनिवार के बीच भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन। लेकिन आर्स में सुनिश्चित करनी है कि 30 आवर्स मिनिमम पर वीक वो पूरा हो जाए। और अगर इसमें अटेंडेंस की बात की जाए तो लगभग 80% आपकी अटेंडेंस अनिवार्य है बीएड में, और इंटर्नशिप में 90% अटेंडेंस अनिवार्य सुनिश्चित की गई है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के रूप में। अगर आप इनटेक एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीड्योर की चर्चा करते हैं तो इनटेक की चर्चा में है कि 50 विद्यार्थी का एनसीटी ने एक यूनिट बनाया है। अगर एक बीएड चल रहा है जहां तो 50 स्टूडेंट्स अगर है तो 50 स्टूडेंट्स को एक यूनिट कहा जाता है। अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसे 2 यूनिट कहा जाएगा। अगर 150 विद्यार्थी है तो 3 यूनिट कहा जाएगा, यानी 50 स्टूडेंट्स बराबर 1 यूनिट की चर्चा की गई है। ठीक। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट कौन बीएड कर सकता है उसकी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर होने की आवश्यक है। तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें बीएड में नामांकन ले सकता है। अब बीएड करने के लिए उसको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। तो ग्रेजुएशन आप अगर कोई भी सब्जेक्ट में बच्चा है, या वो सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, तो उसमें 55% आपका बीएड में बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम में होने की आवश्यक मानी गई है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखा गया है कि जो इंजीनियरिंग में किया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी वो भी बैचलर इन इंजीनियरिंग कहलाता है, तो उसमें भी 55% की गई है। बाकी में 50% की गई है, 50% की गई है, और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो की गई है उसके लिए 55% की गई है। और ये जो है थोड़ा वैरी भी करता है, क्योंकि स्टेट नॉर्म्स में अगर एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ रिलैक्सेशन अगर दिया गया है कैटेगरी वाइज, तो स्टेट गवर्नमेंट के आधार में रिजर्वेशन के हिसाब से रिलैक्सेशन भी दी गई है। जहाँ तक ये एनसीटी की फीस की चर्चा अगर कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन जो फीस लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट या एफिलिएटिंग बॉडी जहाँ से है उसके क्षेत्र अधिकार में आता है कि
कि वो कितना फीस रखता है, यानी कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के आधार पे उसका आपका फीस रखा जाता है। और एडमिशन प्रोसीड्योर, तो एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए एक रिटन टेस्ट की आयोजन की जाती है, वो ये तो या तो विश्वविद्यालय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, जिस संबंधित राज्य में वो बीएड की कॉलेज है उस राज्य में भी कोई भी संस्थान द्वारा उसे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जामिनेशन में पास स्कोरिंग के बाद बच्चे का एडमिशन होता है। सो ये आपका एडमिशन प्रोसीड्योर हुआ। अब बात उठता है जब बच्चे जब एडमिशन लेते हैं महाविद्यालय में, बीएड के महाविद्यालय में, तो वैसे संदर्भ में उसकी किस किस चीज की पढ़ाई होना आवश्यक की गई है, यानी करिकुलम की परिचर्चा भी यहाँ थोड़ी होनी चाहिए कि बीएड के बच्चे किस किस विषय वस्तु को वो पढ़ाई करेंगे। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि करिकुलम में उसमें बेसिकली तीन चीजों की चर्चा वहाँ पर की गई है। एक है प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, दूसरा है करिकुलम एंड पेडागोजी, और तीसरा है एंगेजमेंट विद द फील्ड। इस तीन बेसिक चीज को समझने की आवश्यकता है। अगर पहला चर्चा करते हैं प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, तो प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन में वो क्या क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे जैसे स्टडी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम, टीचिंग एंड लर्निंग, जेंडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सारे विषय वस्तु हैं जिस पेपर का नाम मैंने कहा, ये एक कमोबेश इस पेपर को कहा जा रहा है। इस पेपर के अंदर अब संबंधित विश्वविद्यालय उसका एक सिलेबस रेडी करेंगे, एक गाइडलाइन दी जा रही है यहाँ पे कि आपको प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन में ये पेपर रखना है जिसके अंतर्गत आप अपना विषय वस्तु सुनिश्चित करें। दूसरा, जो करिकुलम एंड पेडागोजी की बात किया जाए, तो जो करिकुलम एंड पेडागोजी में क्या क्या आता है, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिसिप्लिन, सोशल हिस्ट्री ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल फाउंडेशन, ये सारे आपके बेसिक पेपर आते हैं, कोर पेपर। और जो पेडागोजिकल जो मेथड्स पेपर हैं वो संबंधित जितने भी आपके हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, ये सारे पेपर पेडागोजी के अंतर्गत में आएंगे, जैसे कि टीचिंग ऑफ बायो साइंस, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, ये सारे आपके आ जाएंगे पेडागोजी में आ जाएंगे। तो पेडागोजी के संदर्भ में उसको बच्चे को पढ़ना है। तीसरा जो निकल के आ रहा है वो इंगेजमेंट विद द फील्ड प्रैक्टिस की बात करेंगे, यानी कि बच्चे को क्या करना है, आपको कुछ फील्ड प्रैक्टिकम के रूप में भी देना है। जैसे बीएड में आपको बच्चे को बताना है टास्क एंड असाइनमेंट दैट रन थ्रू ऑल द कोर्स, और स्कूल इंटर्नशिप की भी चर्चा की जानी है। तो स्कूल इंटर्नशिप की जहाँ चर्चा की जानी है उसके अंतर्गत में आप जानिए कि महाविद्यालय जो है वो क्या करेंगे कि संबंधित कॉलेज के अधीनस्थ आसपास जितने स्कूल हैं, लगभग 10-12 स्कूल की वो नाम रखेंगे, और वो स्कूल वहाँ के संबंधित जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा वो स्कूल मुहैया कराया जाएगा, और इंटर्नशिप में बच्चे को महाविद्यालय से विद्यालय में इंटर्नशिप में भेजा जाएगा। ये जो इंटर्नशिप जो होता है, आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि देखेंगे तो स्टूडेंट टीचर शैल बी इक्विप्ड टू कैटर डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर इन द स्कूल, यानी दीज एक्टिविटीज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड 4 वीक, यानी कि पहला, आप जानिए कि बीएड 2 वर्षीय है, तो पहला जो साल होगा उसमें वो 4 हफ्ते का इंटर्नशिप होगा, और जो दूसरा साल होगा सेकेंड ईयर ऑफ बीएड प्रोग्राम उसमें 16 वीक का वो इंटर्नशिप होगा, यानी कि ये 4 वीक और 16 वीक, 20 वीक का 2 साल में इंटर्नशिप होगा ये। और इस 16 वीक में देयर शैल बी एंगेज्ड, वो क्या करेंगे, बच्चे विद्यालय में पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ बहुत तरह के एक्टिविटीज
वही वो करेंगे, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज हो, कुछ एक्शन रिसर्च हो, असेंबली कंडक्शन हो, वो सारे कार्य करेंगे वो। यानी 20 वीक 20 वीक्स 2 साल में वो रहेंगे, 4 वीक फर्स्ट ईयर में और 16 वीक सेकेंड ईयर में। ठीक, अब इस इंटर्नशिप अगर इसका बैकबोन माना जाता है बीएड प्रोग्राम में, इस इंटर्नशिप में जब चलेंगे तो संबंधित जो शिक्षक होंगे उसको वो सुपरविजन करने चाहेंगे। यानी कि इंटर्नशिप में विद्यार्थी जब कक्षा में संचालन करेंगे, कक्षा में जब पढ़ाएंगे, तो सुपरवाइजर जो है ना उसके लेसन प्लान को पहले से करेक्ट करेंगे और उसको सुपरवाइज करेंगे, और उसके बाद उसको वो संबंधित कमेंट देंगे कि आप में क्या और सुधार करनी है और क्या आप में अच्छाइयां हैं। अब अगर बात करें असेसमेंट का, तो इस 2 वर्षीय कार्यक्रम में यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी होता है और एक्सटर्नल असेसमेंट भी होता है। जहां तक बात है तो इंटरनल असेसमेंट लगभग 20 से 30%, कहीं कहीं विश्वविद्यालय में 20%, कहीं कहीं 30% वेटेज दिया गया। वेटेज की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 20% इन सम यूनिवर्सिटी 30% ऑल्सो वेटेज इज गिवन। जहाँ पर 70-20% दिया जाएगा वहाँ 80% एक्सटर्नल हो जाएगा, जहाँ से 30% दिया जाएगा इंटरनल तो 70% एक्सटर्नल हो जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल के रूप में वहाँ पर असेसमेंट की जानी है, और ये इसलिए किया जाता है, और ये CCE के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। उसका फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन लिया जाता है, तब फाइनल एग्जामिनेशन लिया जाता है। यानी कि बच्चे को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के तहत हमारा बीएड में बच्चों का मूल्यांकन की जाती है। अब अगर स्टाफ की चर्चा करें तो जहाँ तक आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 50 विद्यार्थी का एक यूनिट है, अगर ये 50-50 विद्यार्थी का 2 यूनिट अगर रहे तो 100 स्टूडेंट्स हो गए फर्स्ट ईयर में, 100 स्टूडेंट सेकेंड ईयर में, यानी एट ए टाइम 200 स्टूडेंट विल बी देयर अगर 2 यूनिट की चर्चा की जा रही है। तो अगर 2 यूनिट की चर्चा करें तो उसमें कितने हमारे शिक्षक रहेंगे, तो उसमें 16 शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। अब 16 का बाइफर्केशन है, उस बाइफर्केशन को समझने का प्रयास करें। तो जिस विद्यालय महाविद्यालय में अगर इंडिपेंडेंट से बीएड हो रहा है या कंपोजिट एमएड हो रहा है, तो बीएड की चर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो एक प्रिंसिपल रहेगा, और अगर वो सरकारी है जहाँ कंपोजिट यूनिट है तो वहाँ एक प्रिंसिपल तो रहेंगे, या HOD के रूप में वो काम करेंगे, यानी एक प्रिंसिपल या HOD एक रहेंगे। ठीक, समझिए 16 का बाइफर्केशन समझिए। तो एक हो गए प्रिंसिपल या HOD, 4 हो गए प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक, 8 हो गए पेडागोजी सब्जेक्ट में, पेडागोजी मतलब मैथ साइंस सोशल साइंस और लैंग्वेज, 8 हो गए, और एक हो गए हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, एक हो गए फाइन आर्ट्स, एक हो गए परफॉर्मिंग आर्ट्स। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो एक प्रिंसिपल, 4 प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, 8 पेडागोजी, 1 हेल्थ एंड फिजिकल, 1 फाइन आर्ट्स, 1 परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये टोटल 16 हो जाते हैं आपके 2 बेसिक यूनिट के लिए कार्य करेंगे। अब इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है, क्योंकि आप यहाँ से निकल के जब आप प्रस्पेक्टिव टीचर होने के बाद आप जब बीएड में टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो उस संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन HOD या प्रिंसिपल हो सकता है, कौन उसके लिए आपका है ना, क्या उसका क्वालिफिकेशन है। तो एक प्रिंसिपल होने के लिए आप ये जानिए कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन होना है संबंधित सब्जेक्ट में, आर्ट्स साइंस सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में 55%, उसके साथ एमएड होना है 55%, और PhD होना है आपका मस्ट है, PhD इज मस्ट, एंड देन 8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो किसी भी महाविद्यालय बीएड के महाविद्यालय में प्रिंसिपल या HOD के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। अब जहां पर मैंने बात किया प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन, जो मैंने 4 बताया था, प्रस्पेक्टिव को ही फाउंडेशन भी कहा जाता है। तो फाउंडेशन कोर्स में आप देखिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस चाहिए 55%, एमएड चाहिए 55%, और इसके साथ साथ नेट या PhD कंपलसरी है,
अरे नेट या पीएचडी क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट में कंपलसरी है, नेट या पीएचडी में कह रहा हूँ। इसके साथ अगर चाहें तो एमए एजुकेशन वाले भी आ सकते हैं, एमए एजुकेशन 55% या बीएड 55%, नेट और पीएचडी सभी में कंपलसरी है आपका। अगर उसके बाद अगर आप पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी जो 8 चर्चा किया था मैंने, जिसमें कि मैथ साइंस सोशल साइंस और लैंग्वेज की बात किया था, तो इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 55%, एमएड 55% और साथ में नेट या पीएचडी आपका चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक, यानी कि नेट है तो आपका रिक्वायरमेंट होगा, नेट नहीं है तो पीएचडी अगर है तो रिक्वायरमेंट होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप जाने कि दो फैकल्टी पोजीशन चाहिए आपका जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी या फिलॉसफी में 55% के साथ में है, दो फैकल्टी मस्ट है ना, क्या चाहिए, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और फिलॉसफी में, जिसको 55% है, एमएड 55% है, इसके साथ ही नेट या पीएचडी इन कंसर्निंग सब्जेक्ट में है। अब आइए एक तीसरी चर्चा मैंने किया था जो कि आपको मैंने बताया था कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर रिक्वायरमेंट होना है तो कंसर्न सब्जेक्ट में है ना आपको क्या चाहिए, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है तो एमपीएड चाहिए 55% के साथ, अगर विजुअल आर्ट्स है तो फाइन आर्ट्स में 55% के साथ में चाहिए, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे म्यूजिक डांस ड्रामा थिएटर में 55% के साथ में उसको यानी उसका मास्टर डिग्री है तो वो रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। यहाँ नेट रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा यहाँ पे इसमें। इसके साथ ही साथ नॉन टीचिंग का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो नॉन टीचिंग कितना चाहिए, तो लाइब्रेरियन एक, लैब असिस्टेंट एक, ऑफिस कम अकाउंटेंट असिस्टेंट एक, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर एक, स्टोर कीपर एक, टेक्निकल असिस्टेंट एक और लैब अटेंडेंस या सपोर्टिंग स्टाफ दो, यानी सब मिला के अगर देखें तो 3, 3, 6, 2, 8 आपको मिनिमम यहाँ बात की जा रही है सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में रहेंगे। अब यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि अगर कंपोजिट यूनिट है तो ये शेयरिंग के रूप में भी चलता है, इंडिपेंडेंट है तो उसकी चर्चा यहाँ मैंने कर दिया। अगर कंपोजिट यूनिट होगा, अन्य कोर्स भी चल रहे हैं तो शेयर भी किया जा सकता है उसके लाइब्रेरियन और अन्य चीजें। ठीक, जहां तक इसकी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसको समझने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि अगर कोई बीएड कॉलेज चलाना चाहता है, 50 विद्यार्थी का है तो अगर वो चला रहा है एक यूपीएससी यूनिट, तो 2500 स्क्वायर मीटर का लैंड का रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसको, और 2500 लैंड में 1500 का बिल्डअप एरिया चाहिए उसको। अगर दो बेसिक यूनिट है तो उसमें 500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल कर दीजिए, यानी कि 2500 स्क्वायर मीटर है और उसमें 500 ऐड कर दीजिए, यानी 3000 स्क्वायर मीटर का लैंड चाहिए और बिल्डअप एरिया में भी आपका 500 स्क्वायर मीटर बढ़ा दीजिए, यानी कि 2000 उसका बिल्डअप एरिया भी चाहिए। जैसा कि अभी कंपोजिट यूनिट की चर्चा की गई है, तो सपोज आप एग्जाम्पल समझिए कि ये बीएड और एमएड ये टेबुलर चार्ट दिया हुआ है आपको, जो मैं ये प्रोवाइड करूंगा मटेरियल उसमें टेबुलर चार्ट है, आप समझ जाएंगे। बीएड और एमएड की अगर बात करें तो बिल्टअप एरिया जो है ना वहां पर कितना चाहिए 2000 और लैंड एरिया कितना चाहिए 3000 स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर की चर्चा में की गई है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें अगर एडिशनल भी है तो चलेगा, यानी मिनिमम आपका इतना लैंड है, इतना बिल्डअप एरिया होना आवश्यक है। अब अगर उसमें बिल्टअप एरिया में अगर चर्चा करें कि कि वो बनाया है 2000 स्क्वायर मीटर में बिल्टअप एरिया, तो क्या क्या बनाएगा उसमें, उसका भी डिमार्केशन किया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए एक इन बिल्डिंग में। तो समझिए कि क्लासरूम चाहिए 50 स्टूडेंट्स का बैठने के लिए, दो अगर है तो दो क्लासरूम चाहिए मिनिमम 50-50 विद्यार्थी के बैठने के लिए। मल्टीपर्पज हॉल चाहिए, एक मल्टीपर्पज हॉल ऐसा चाहिए जिसमें मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और वो जिसमें सिटिंग कैपेसिटी मिनिमम 200 स्टूडेंट्स का होना चाहिए। लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम होना चाहिए,
आईसीटी रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, करिकुलम लैबोरेटरी होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट है। डी वी एच आर्ट प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होना चाहिए, विजिटर रूम्स होना चाहिए, सेपरेट कॉमन रूम फॉर बॉयज और गर्ल्स होना चाहिए, सेमिनार रूम होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, पार्किंग स्पेस होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, मल्टीपर्पस यानी कि आपका प्ले फील्ड होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए कुछ एडिशनल वर्क के लिए, यानी कि ये मिनिमम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए इतना। जिसके अंतर में अगर आप देखें तो अगर लाइब्रेरी की चर्चा करें तो लाइब्रेरी में क्या चाहिए, तो लाइब्रेरी में आपको मिनिमम 50 स्टूडेंट्स का सिटिंग कैपेसिटी चाहिए विथ चेयर्स, और जिसमें बुक्स कितना अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं बीएड कॉलेज तो 1000 टाइटल्स के बुक्स चाहिए मिनिमम, और नंबर ऑफ बुक्स मिनिमम 3000 आपका होना चाहिए। 1000 टाइटल मीन्स कि अलग 1000 तरह के किताब होने चाहिए मिनिमम टेक्स्ट बुक, और नंबर 3000 मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए चाहिए, है ना, जर्नल जो है मिनिमम 5-6 जर्नल होना चाहिए, देन नहीं तो उसको सब्सक्राइब करना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी फुल इक्विप्ड होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए, देन करिकुलम लेबोरेटरी भी होना चाहिए, करिकुलम लेबोरेटरी मस्ट है आज के डेट में, देन आईसीटी रूम्स होना चाहिए जिसमें कि विथ इक्विप्ड कंप्यूटर होना चाहिए, मिनिमम 30-35 कंप्यूटर इक्विप्ड आपका आईसीटी रूम्स होना चाहिए, है ना, लैंग्वेज लैब होना चाहिए, देन ये अगर सारे चीज इक्विप्ड हैं तो कुछ और भी मिनिमम चीज चाहिए, अदर एमिनिटीज लाइक फंक्शन एंड अप्रोप्रिएट फर्नीचर इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अदर पर्पस, यानी क्या चाहिए, है ना, कुछ फर्नीचर्स भी एडिशनल चाहिए, पार्किंग स्पेस मैंने अभी चर्चा किया ही वो भी चाहिए, यानी कि इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, और मैनेजिंग कमिटी इसको रन करे, अगर वो प्राइवेट है तो या गवर्नमेंट भी है तो एक मैनेजिंग कमिटी होता है, मैनेजिंग कमिटी एज पर द रूल होना चाहिए, और वो मैनेजिंग कमिटी जो है ना पूरा एफिलिएटिंग होना चाहिए यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट से। अगर ये सारे नॉर्म्स को फॉलो अगर करती है कोई भी संस्थान तो वो बीएड कॉलेज रन करेगा। ये आपका टाइम टू टाइम एनसीटी इसको इंस्पेक्ट भी करती है, जब नया बीएड कॉलेज खुलता है तो एनसीटी विजिटिंग टीम मेंबर के द्वारा उसको इंस्पेक्शन कराया जाता है कि वो बीएड कॉलेज इस सारे मापदंड को फॉलो कर रही है, अगर वो कर रही है तब जाके उसे एनसीटी रिकॉग्निशन देती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ओपन करने के लिए, और टाइम टू टाइम इसको बीच बीच में भी इंस्पेक्ट करती है कि वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक और इनबिल्ट हुआ कि नहीं एडिशनल, और उसके साथ साथ स्टाफ उसका प्रॉपर वे में केवल स्टार्टिंग में है या बीच में भी उसी प्रकार है, कुछ घट तो नहीं गया है, नहीं तो उसके पास पावर है उसके रिकॉग्निशन को वापस लेने। साथ ही साथ इसको पावर दिया गया स्टेट यूनिवर्सिटी को, यानी यूनिवर्सिटीज जो है ना एफिलिएटिंग बॉडी होती है, वो एफिलिएटिंग बॉडी बीच बीच में हर साल रिन्यूअल के लिए उसको इंस्पेक्ट भी करती है, यानी ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को आपको जानना है, समझना है, इसकी एक कॉपी आपके एनसीटीई के वेबसाइट में जाएंगे, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ बीएड एमएड डीएलएड एमपीएड बीपीएड, सारे नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड वहां दिए हुए हैं, आप कमोबेश बीएड एमएड के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को पढ़ें और जानें कि इस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में क्या क्या दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ बीएड को आप समझ पा रहे होंगे, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो रहा है समझने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू to patiently listening me and being with us. Thank you.